भाई अपनी किस्मत और कहीं जाने से पहले कलेश ना हो जिंदगी में, ऐसा कभी हो सकता है? ऑब्वियसली मैंने आज से एक हफ्ते पहले घर पे परमिशन ले ली थी कि मेरे को आज गाड़ी चाहिए, स्पेशली क्योंकि ग्रब है आज, तो हम सारे दोस्त जाएंगे। मैंने सबको जुबान भी दे दी थी कि गाड़ी में चलेंगे, मेरे को चाहिए आज के लिए गाड़ी। मम्मा पापा ने हाँ भी कह दिया था, फिर उनका सडनली ट्रिप का प्लान बनता है जो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, अब स्टेशन में वो मना कर रहे कि नहीं लेके जानी गाड़ी, ये वो। मैंने यार ये क्या बात है, मैंने आपसे प्रायोरिटी में परमिशन ली, फिर आपका बीच में प्लान बना तो मैंने कुछ नहीं बोला। अब आप खुद बोल रहे हो हमारा प्लान कैंसिल हो चुका है, तो मैं वापसी जब गाड़ी मांग रहा हूँ तो उसमें देने में हर्ज क्या है? मेरे को तो समझ ही नहीं आती घर वालों की कभी कभी बातें। मतलब तो पहले खुद हाँ कहते हैं, फिर जब खुद चीज जाते हैं तो मैं अंडरस्टैंड करता हूं, मैं चुप हो जाता हूं। लेकिन जब वो चीज कैंसिल हो जाए तो फिर सिंपल बात है, जब गाड़ी को फिर अब आपका कोई यूज नहीं आज के लिए, तो मेरे को तो जब गाड़ी फ्री पड़ी है तो। बट नहीं, और ऐसा नहीं कि तेल क्या बोलते हैं तेल के पैसे नहीं है, तेल के पैसे भी मैंने कहा है कि कौंटी करेंगे सब, तो तेल के पैसे भी कौंटी हो रहे पूरी पूरे। गाड़ी नहीं देनी वो तो चलो अब देखेंगे, मिलेगी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो फिर स्कूटी से तो मैं चले जा, मेरे को स्कूटी से जाने में कोई दिक्कत नहीं, सिंपल बात। मेरे को बस ये था कि चलो दोस्त को मैंने बोला तो गाड़ी चले जाएंगे, गर्मी भी है बाहर तो कंफर्ट में चले जाएंगे। बट अगर स्कूटी से भी जाने को हो तो मेरे को तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने में मैं दोनों ऑप्शन। बट ये यार गाड़ी में थोड़ा और कंफर्ट ऑफ एंड फन हो जाता, स्कूटी में यही है। मतलब गाड़ी में रहता सारे साथ होते तो मस्त बातचीत गाना वाना एंजॉय करते जाते, स्कूटी पे होगा मैं अकेला होऊंगा, ये सब फिर कैब वैब से आएंगे, तो बस यही सीन है। बट ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं भाई, अब इसमें हम कुछ चेंज भी ला नहीं सकते, अब जो है सो है। बट हाँ अभी ये भी कंफर्म नहीं कि मतलब गाड़ी ले जा सकता हूँ कि नहीं, मतलब 50-50 अभी सिचुएशन, क्योंकि मैंने परमिशन मम्मा पापा दोनों से ली थी, पापा ने कहा मेरे से परमिशन नहीं ली, पापा ने एकदम से पलट गए पापा, नहीं मेरे से तो परमिशन नहीं ली तूने। मैंने कहा रहा यार मैं क्या बोलूं यार पापा को, नेवर माइंड बैक टू रानी लोग, होप यू आर हैप्पी, गुड मॉर्निंग टू ऑल। टाइम हो रहा है 2:41, हमें 4:30 आराम से 4:30 तक निकलेंगे, 3:30-4:30 तक निकलेंगे, कि भाई उससे जल्द पहले जाने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। मैं वही सोच रहा हूँ 3:30-4:30 तक निकलूं अपना, तब जाऊं एंड फिर 5:30 तक पहुंचूंगा, टिकट्स मेरी वहीं इन है, वहां से टिकट्स ग्रैब करें एंड देन लेट्स गो एंजॉय द ग्रब फेस्ट। ऑल्दो आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन ग्रब फेस्ट, बट आई एम जस्ट गोइंग बिकॉज ऑफ माय फ्रेंड्स, कि मैं तलविंदर अटेंड कर चुका हूँ भाई, आधा नोएडा आ रहा है मेरे, जितने ही नोएडा के लोग हैं ना ऑलमोस्ट सारे जा रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे। पार्टी जी और मैं आए हैं टिकट लेने, अभी हमें 1 घंटे में निकलना और 1 घंटे पहले हम टिकट रिसीव कर रहे हैं, पूरा हो जाता है भाई मैटर, सिस्टम हैंग हो जाता है। अब टिकट उठाते हैं फिर घर जाते हैं, स्कूटी चार्जिंग पे लगाते हैं, हम जाएंगे स्कूटी से नॉट फ्रॉम कार, बिकॉज कार इज फॉर लूजर्स, स्कूटी इज फॉर विनर्स, या वी आर एंड व्हाट वी आर विनर्स एंड वी आर नॉट लूजर्स। तो अगर जो गाड़ी में जाएगा वो है विनर, जो गाड़ी में जाएगा वो है विनर। कैसे भाई, लूजर लूजर, गाड़ी में जो जा रहा है वो जाम में फंस रहा है, वो लेट पहुंच रहा है, तो वो क्या हुआ? हाँ, और जो गाड़ी से नहीं जा रहा वो स्कूटी पे जो जा रहा है वो देख सर। हेलो भाई, नाके मुझ के रेडी, वी आर गुड टू गो, बैगी पैंट्स, नीचे हमने अपने ट्रेकिंग बूट्स पहन लिए, मैंने बूट्स ही पहनूंगा मैं, और ये तब भी थोड़े कंफर्टेबल बूट्स रादर देन दोस चंकी बूट्स। चंकी बूट्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है गाड़ी चलाने में, या वैसे भी थोड़ी दिक्कत होती है, और वो ज्यादा देर तक पहन नहीं सकता, इसको तब भी मैं पहन सकता हूँ क्योंकि कंफर्ट है, और ये एक्चुअली बढ़िया कॉन्ट्रास्ट भी जा रहा है, और पैंट्स भी एकदम बढ़िया लग रही है इसके साथ, तो एकदम बैगी फिट। कैप मैं ले रहा हूँ, अगर मेरे को लगा तो मैं कैप पहन लूंगा, फिलहाल के लिए अभी कैप इज नो इन द गेम, बट स्टिल आई एम टेकिंग फॉर द बैकअप। नाउ लेट्स लीव फाइनली। आउटफिट बहुत फाड़ लग रहा है भाई, बहुत ज्यादा फाड़ लग रहा है, कैप पहनू नहीं पहनू बस उस चीज पे थोड़ा मैं डाइसी, कैप तो पूरी पहनूंगा पहनूंगा तो, कुछ 5:13 हुण आपां पहुंचेंगे 6:08 तक, बट ओदे बाद भी आपां आराम नाल घुसेंगे अंदर, आराम तो हमने जाके से तलविंदर अटेंड करना सी, आराम ते आ जाएंगे, आराम ते चले जाएंगे। या गुड वन, या शेर शेर जाते भाई, और क्या एंजॉय करते हुए जाते हैं। वो दूसरे लोग दूसरी गाड़ी में गए, वो पराए देश के हो गए, वो हमारी ग्रुप पराए देश की हो गई। भाई सबके लिए है अंदर पब्लिक पार्किंग, भाटी जी के साथ आने का फायदा। शेर अथॉरिटी की गाड़ी है ये, है तो पापा की वजह से, लेकिन अथॉरिटी की गाड़ी हमने बना दी, अब घूमेगी जेलन के अंदर, लगेगी जेलन के अंदर ही। भाई क्या पहन लिया, आ गए भाई लोग अथॉरिटी की पार्किंग में, गाड़ी लगा दे भाई, कोई लगा सकता, सिस्टम किसका भाटी की, बस यही तो है। युवान भाई थैंक यू भाई, लव यू भाई, आपके एनवलप से हमने एंट्री ले ली, गेट एंट्री सीधा फेस्टिवल, भाटी सीधा फेस्ट के अंदर ही घुस रहे हैं हम पीछे से, सीधा फेस्ट के अंदर। हाँ ये एक पकड़, इन्होंने बिल्कुल जोमालैंड जैसा कर दिया, बाकी सारा जी ये लाउंज और ये VIP, ये क्या स्कैम है भाई, ये VIP, ये VIP
भाई बीच में कैमरा मैन है वीआईपी की टेबल पे, तो क्या दिखेगा, ये तो जीएस से बेटर था भाई। बट तब भी फर्क नहीं पड़ता, फ्री टिकट है ना, कोई दिक्कत नहीं, सॉर्टेड है। भाटी जी क्या है ये क्या है, यहाँ से क्या देखेंगे हम, तलविंदर आधा भी नहीं देखेगा यहाँ से, तो भाई सब तितर बितर हो गए अपना। है भाटी भाई ढूंढ लो इनको यार, अब कॉल नहीं उठा रहा कोई भी, मैं क्या करूँ, सब अलग ही अलग चल रहे हैं, कहीं ना कहीं क्राउड में टकराए जा रहे हैं, मिल कोई नहीं रहा है, सब अलग अलग हो रखे एकदम डिस्ट्रीब्यूट। सारे चेक हो तो लेट्स गो, रागा सरप्राइज अपीयरेंस, ब्रो अनरिलीज गाना है ठीक है, अभी ये गाना निकला नहीं है, निकला नहीं आएगा थोड़े टाइम में, तो वीडियोस बना लेंगे। कभी चलते हैं कभी आता है वो मुड़ के दिल से तो जाता नहीं, कम से कम से आजा 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 बेकार जा रहा ना, इतना बेकार जा रहा ना, इस मजाक से उठ के बहुत ज्यादा बेकार है भाई, गलत मैटर, सब सेपरेट हो रखे हैं, हम कैसे स्टेज के पास आए हमें पता है, सब वो चैतन्य वो सब दूसरी साइड है, मैं इस साइड हूँ, जा ही नहीं पाएंगे, अब पता नहीं एग्जिट कैसे करेंगे, भाटी को मेरे को अपने साथ लेके जाना। Yeah.
बेकार, सब तितर बितर हो गए, सब तितर बितर, किसी को किसी का होश नहीं, कोई कहाँ है। मेरे साथ भाटी था, भाटी को हमने कैसे करके वीआईपी में, वो हमें वीआईपी का तो स्कैम हो गया था, तो जो आगे वाला एरिया था हमने उसको स्नीक इन, भाटी को वहां कराया, फिर मैं और वो दिशता हम स्नीक इन हुए, ऐसे ऐसे कर करके हमने स्नीक इन करा एक दूसरे को, पता नहीं कैसे कैसे हमने फाइनली पहुंचे। जब पहुंचे अंदर तो उसमें भी दो एरियाज डिवाइडेड थे, जिसमें ये चिब्बर ये सब थे, वो उस स्टेज के पास वाले, उसमें भी एक बैरिकेड था। इतना बेकार ग्रब फेस्ट था ये फाइनेंशियल ईयर एंडिंग वाला, इतना इन्होंने मतलब फैलावा कर दिया, इतना फैलावा, द वर्स्ट ग्रब फेस्ट आई हैव एवर वेंट। अच्छा मेरे पासेस फ्री थे गाइस, मैं कॉन्सर्ट बहुत जाता हूँ आपको पता है, एंड लाइक बाय फार दिस इज द वर्स्ट ग्रब फेस्ट। लास्ट वाला तब भी थोड़ा बेटर था, इससे बड़ा था और स्टेज लेआउट सब बढ़िया था, दिस वन वॉज वेरी बैड। लाइक द मैनेजमेंट, बीच में लाइट जाए जा रही है, म्यूजिक कट ऑफ हो रहा है, तलविंदर का सेट आधा लेट हुआ है, एक घंटा लेट तलविंदर आया, दो घंटे का सेट था, 45 मिनट्स बजा के गया गजेंद्र वर्मा, पता नहीं उसके बीच में कुछ हो गया, लाइक इट वॉज टोटली मेस्ड अप, सब तितर बितर हो रखा है। अभी इनको उठाने जा रहा हूँ, इन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, कुछ इनको एक आधे को छोड़ा, सबके घर वाले मेरे ऊपर चिल्लाएंगे, मेरे घर वाले खुद मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं कि कहाँ रह गए तू, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को भाई, मैं इसलिए मैं अकेले प्रेफर करता हूँ भाई जाना, मतलब दोस्तों के साथ जाना इज फन, बट यू कांट टेक द हेडेक व्हेन यू कैन मैनेज ऑल ऑफ देम। आई एम सॉरी आई टुक दैट हेडेक, बट ऑनेस्टली आई कांट मैनेज ऑल ऑफ देम ब्रो। मैं किसी को भी कॉल करूँ सब काटे जा रहे हैं, ये क्या मतलब, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या फैलावा है। पिछले एक घंटे से जाम में फंसा पड़ा हूँ और अभी जेएलएन पार नहीं हुआ है, इसलिए बस पापा सही कह रहे थे स्कूटी से चले जा, पापा की मान लेनी चाहिए, अगली बार से कुछ भी हो मैं गाड़ी के लिए कॉन्सर्ट किसी के लिए हाँ नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा भाई खुद की गाड़ी लाओ, खुद सफर कर लो, मैं स्कूटी वाला आदमी हूँ, मैं स्कूटी पे कर लूंगा, गाड़ी पे आना कॉन्सर्ट में या कहीं भी, इट्स मोर ओवर पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये मेरे को सनमन से लेसन मिल चुका है। बट मैं उसमें गर्वित भैया की गाड़ी में जाता तो हम दो ड्राइवर होते, इधर से मैं ही ड्राइवर हूँ, तो मैं इतना पक रहा हूँ ना इस समय में, मैं क्या ही बोलूं। Thank you.